नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका JJN न्यूज की एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में। इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी की कोतवाली में, जहां पर एक बड़ी खबर अभी कुछ देर पहले JJN ने आपको दिखाई है कि आखिरकार बनभूलपुरा हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की गिरफ्तारी हो चुकी है। जी हाँ, अभी हमने आपको खबर दिखाई जिसमें अब्दुल मलिक की गिरफ्तारी की जो बात है वो सामने आई है और इस मामले में SSP का बयान भी सामने आ गया है। इस वक्त कोतवाली में हम मौजूद हैं, जहाँ पर SSP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये पुष्टि कर दी है कि जो बनभूलपुरा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक है उसकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। और बड़ी बात यह है कि दिल्ली से उसको गिरफ्तार किया गया है और नैनीताल पुलिस की एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। आपको बता दें कि 8 फरवरी को हुई हिंसा के बाद से लगातार अब्दुल मलिक जो है वो फरार चल रहा था। पुलिस लगातार नेपाल बॉर्डर और तमाम देश के अलग अलग जगहों पर अब्दुल मलिक की तलाश कर रही थी, लेकिन पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिले थे। साथ ही अब्दुल मलिक का जो बेटा है मोहित, उसकी भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन अभी तक कोई सबूत नहीं मिले थे। लेकिन अब बड़ी खबर सामने आ रही है कि आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिल गई है और अब्दुल मलिक जो है वो गिरफ्तार हो गया है, जिसकी पुष्टि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में SSP नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा की ओर से की गई थी। अब आपको बता दें कि हल्द्वानी हिंसा का जो मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक है वो तब से लेकर फरार चल रहा था, लेकिन अभी दोपहर में जो अब्दुल मलिक के वकील हैं उन्होंने हल्द्वानी के सेशन कोर्ट में एक याचिका डाली थी, यानी कि अग्रिम जमानत याचिका उन्होंने दाखिल की थी, जिसका मतलब होता है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए याचिका जो है वो डाली गई थी। और उससे पहले जो वकील थे उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की थी कि अब्दुल मलिक जो है वो पुलिस की गिरफ्त में था, लेकिन आधिकारिक पुष्टि होना बाकी था, जिसे अब SSP ने कन्फर्म कर दिया है। तो एक बड़ी खबर ही सामने आ रही है कि हल्द्वानी की हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक गिरफ्तार हो गया है, लेकिन इस बीच वकीलों का ये कहना था कि जिस दिन ये हिंसा हुई उस दिन अब्दुल मलिक यहाँ पर मौजूद नहीं था। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर अब्दुल मलिक यहाँ पर मौजूद नहीं था, उसके बाद जब पुलिस उसको ढूंढ रही थी, तलाश कर रही थी, तो आखिर वो कहाँ था? जब खिड़की और दरवाजों की मजबूती और खूबसूरती मिले साथ, जो चले सालों साल, तो सबकी पसंद है A1 इंडस्ट्री UPVC डोर एंड विंडोज का साथ। हल्द्वानी उत्तराखंड, कॉल 9012266789। क्यों उसने पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की गई है? अब जब पुलिस की गिरफ्त में अब्दुल मलिक आ गया है तो इस सारे सवाल जो है वो सामने आ जाएंगे। अब आपको बता दें कि हल्द्वानी हिंसा में 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, जिसमें 100 पुलिसकर्मी, मीडियाकर्मी और आम पब्लिक भी शामिल थी। जानकारी के मुताबिक जब ये घटनाक्रम पूरा घटित हुआ था तब पुलिस जो है उसके बाद से अलर्ट मोड पर थी। मौके पर कर्फ्यू लगा दिया गया था जो लगभग 2 से 3 दिन चला था। आज इस हिंसा को पूरे 16 दिन हो गए हैं और एक बहुत बड़ी कामयाबी कहीं ना कहीं पुलिस की मानी जा रही है कि 16 दिन के भीतर जो पुलिस है उसने अब्दुल मलिक को गिरफ्तार कर लिया है। अब इस पूरी हिंसा के पीछे का जो असल सच है वो सामने आएगा और देखने वाली बात होगी कि अब्दुल मलिक से कितने राज जो है वो सामने आते हैं। लेकिन अभी बात ये भी सामने आ रही है कि अब्दुल मलिक का जो बेटा है मोहित, वो अभी फरार है, उसकी तलाश अभी जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं अब्दुल मलिक की गिरफ्तारी नैनीताल पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखने को मिली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम सवालों के जवाब SSP प्रहलाद नारायण मीणा की ओर से दिए गए हैं, जिसमें तमाम सवाल जो है वो अब अब्दुल मलिक से पूछताछ के बाद ही सामने आ पाएंगे। नैनीताल पुलिस ने गिरफ्तारी की है, कहां से इसकी गिरफ्तारी हुई है सर, ये पूरा प्रकरण? देखिए, बनपुलवा क्षेत्र में जो घटना हुई थी इसमें लंबे समय से फरार अभियुक्त अब्दुल मलिक की नैनीताल पुलिस ने गिरफ्तारी की है। इसको हमारी टीम ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है और दिल्ली से गिरफ्तार करके इसको हमारी टीम जो है वो यहाँ लेके आई है। जल्दी इसको हम कोर्ट में पेश कर रहे हैं। इस कार्य के लिए जो हमारी टीम है उसको मेरी तरफ से 2500 रुपये का और DI साहब की तरफ से 5000 रुपये का और DGP साहब की तरफ से 50000 रुपये का इनाम इस टीम को दिया गया है। इसके साथ ही हमने 2 अन्य अभियुक्त जिन्होंने मुखानी थाने की गाड़ी जलाने में जो अपराध है उसमें सम्मिलित थे, तो 2 अन्य अभियुक्तों की और गिरफ्तारी की है। तो आज अब्दुल मलिक को मिला के 3 गिरफ्तारियाँ हुई है। अब तक इस प्रकरण में 81 गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं। सर, जो नामजद थे सब गिरफ्तार हो गए? नामजद अभियुक्तों में से एक अभियुक्त अब्दुल मलिक का पुत्र अब्दुल मोहित, अभी भी फरार है, उसकी जल्दी हम गिरफ्तारी कर लेंगे। उसके अलावा सारे अभियुक्त जो है नामजद वो गिरफ्तार हो चुके हैं। देखिए, अब्दुल मलिक हमारी कस्टडी में है और इसको जल्दी ही हम कोर्ट में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये थी JJN की खास ग्राउंड रिपोर्ट। मैं निशा अपनी सहयोगी पूजा के साथ JJN न्यूज हल्द्वानी। नमस्कार।